हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पौधे कैसे वृद्धि करते हैं, उनमें सेल्स जब ग्रुप में होती तो क्या कहलाती हैं, और वो जो सेल्स होती हैं जो ग्रुप में फॉर्म होती हैं उनका कार्य क्या क्या होता है। तो आइए डिस्कशन करते हैं और डिबेट करते हैं। तब तक आप मेरे वीडियो को अपने नए और पुराने समस्त दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी फैमिली जो है, कौन सी फैमिली, साइंस फैमिली यार, साइंस फैमिली क्या हो सके, बड़ी हो सके और हम लोग खूब मिलजुल कर पढ़ाई कर सके। कहते हैं कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा करना होता है, है ना। तो आइए उसी एफर्ट में आगे निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू, हिंदी में पादप ऊतक। पादप ऊतक मतलब पौधों के अंदर जो कोशिकाओं का समूह होता है वही कहलाता है ऊतक। अगर हम डिफिनेशन देख लें, ऊतक की परिभाषा क्लियर कर लें, तो आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी स्किप नहीं होगा, कभी मिस नहीं होगा ऊतक क्या होता है। आप कह सकते हैं ऊतक की परिभाषा, अगर आपके पास पेन है कॉपी है तो नोट कर लीजिए, एक बार मिस एकदम सेट हो जाएगा दिमाग में तो कभी भूलेगा नहीं। समान या भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, दो शब्द आए हैं, चाहे तो समान भी कोशिका हो सकती है चाहे भिन्न भिन्न कोशिका हो सकती है। समान या भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह जो समान फंक्शंस अर्थात समान कार्य को करता है, अपने समान कार्यों को संचालित करता है, वो कहलाता है ऊतक। क्या कहलाता है? ऊतक। अगर आपको इतना ज्यादा ब्रॉडनेस लगा है तो कह सकते हैं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। या कह सकते हैं और थोड़ा सा लेंथी बनाना हो तो समान या भिन्न प्रकार की कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो और कार्य क्या हो बाबू, समान हो। जिनकी उत्पत्ति भी क्या हो, सेम हो, समान हो, और क्या हो, कार्य भी समान हो, तो ऐसी कोशिकाओं को हम कहते हैं ऊतक। वंस अगेन क्लियर, सीधे छोटी भाषा में कह सकते हैं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, या तो कह सकते हैं समान प्रकार की या विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं समान उत्पत्ति और समान कार्य को संचालित करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, चाहे छोटी परिभाषा याद कर लीजिए चाहे बड़ी वाली कर लीजिए, एज योर विश, आपकी इच्छा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अर्थात कोशिकाओं का जो समूह होता है क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। और ऊतक ही डेवलप्ड होकर एक बहुत से विग्रस बड़े प्लांट में या एनिमल्स में ऊतक वृद्धि करके उनके अंगों और उसके शरीर का विकास करते हैं। अगर हम ऊतक के प्रकार देख लें तो ऊतक के प्रकार में आपको बताया गया था कि बाबू सॉरी, ऊतक के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? ऊतक के दो प्रकार होते हैं। एक होता है विभज्योती ऊतक। अभी पहली बार नाम सुने होंगे तो ये पक्का है कि पहली बार में मैं याद करवा दूंगा आपको, विभज्योति ऊतक और दूसरा अस्थाई ऊतक। मैंने इंग्लिश में भी नाम को मेंशन कर रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको जैसे सुटेबल बने वैसे आप याद कर लीजिए, चाहे आप हिंदी याद कर लीजिए चाहे इंग्लिश याद कर लीजिए। विभज्योति ऊतक को कहते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू। तो हम थोड़ा सा नाम के ऊपर डिस्कशन करके सारी चीजें क्लियर कहानी कर लेते हैं भैया। आइए क्लियर कर, विभज्योति का मतलब होता है विभाजन होने वाली कोशिकाएं, अर्थात समझिए विभज्योति विभाजन होने वाली कोशिकाएं अर्थात विभज्योति ऊतक। बात क्लियर? विभज्योति का मतलब यही होता है, आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि विभाजन होने वाली कोशिकाएं अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्या हो सकता है, विभाजन हो सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? विभज्योति ऊतक। क्लियर है? या शॉर्ट में विभज्योतक लिखा गया है, अर्थात एकदम एक शब्द में क्लियर कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्या हो, विभाजन होता हो, उन्हें क्या कहते हैं? विभज्योति ऊतक। इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू। क्लियर? अस्थाई ऊतक, अरे भैया इधर तो विभज्योति अर्थात विभाजन होने वाली कोशिकाएं थी और यहां अस्थाई, इनमें कोई विभाजन उभाजन नहीं होता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें कोई किसी भी प्रकार का विभाजन न हो क्या कहलाता है? विभज्योति ऊतक अर्थात अस्थाई ऊतक कहलाता है। अर्थात क्या सर, इन कोशिकाओं में कोई वृद्धि विभाजन नहीं होता? नहीं होता भाई, इनमें कोई वृद्धि विभाजन नहीं होता। तो क्या सर ये कहां से आ जाती हैं? ये विभज्योति ऊतक ही मैच्योर होकर क्या बनाती हैं? अस्थाई ऊतक का निर्माण करती हैं।
बातें क्लियर कुछ। अरे भाई हमारे शरीर में कहा हम पहले पैदा हुए तो कहा एकदम इतने बड़े पैदा हुए, कहा पहले छोटे से बेबी फॉर्म में पैदा हुए थे ना, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, हमारी वृद्धि होने लगी। प्लांट में भी तो ऐसा होता है, एक पहले छोटे से बेबी फॉर्म में प्लांट होता है, लेकिन फिर प्लांट कहाँ होने लगता है, बढ़ने लगता है धीरे धीरे, उसकी लेंथ क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ने लगती है। तो पहले जितने भी सेल्स उसके अंदर होती है, कोशिकाएं जितनी भी होती हैं, वो सब विभाजित होती है अर्थात मेरिस्टमेटिक होती हैं, उनमें निरंतर क्या होता रहता है, विभाजन होता रहता है। तो क्या सब विभाजन से वृद्धि होती है? हाँ एकदम सही पकड़े हैं, विभाजन से वृद्धि होती है उनमें, चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, उनमें क्या होता है, उनकी लेंथ आती है, उसमें ब्रॉडनेस होता है, चौड़ाई आती है। विभाजित कितने प्रकार के ऊतक याद हो गया होगा, विभाजित ऊतक सर जिसमें विभाजन होता है, अस्थायी ऊतक जिसमें विभाजन। तो विभाजित ऊतक के बारे में डिस्कशन करते हैं। विभाजित ऊतक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो सर बाबू तीन प्रकार के होते हैं, एक शीर्षस्थ विभाजित ऊतक, एक होता है अंतर्विष्ट विभाजित ऊतक, और तीसरा और लास्ट होता है पार्श्व। नाम से क्लियर कर लीजिए, शीर्षस्थ का मतलब होता है जो शीर्ष पे पाए जाते हैं। यहाँ हिंदी वर्जन लिखा गया है और यहाँ इसका इंग्लिश वर्जन लिखा गया है। मैंने ये पहले से खाँच खुच उसमें लग गया है, इसलिए क्योंकि मैंने वीडियो शूट कर रखा था, लेकिन वीडियो बीच से ही कट गया था, मुझे पता नहीं हुआ, मैं पूरा पढ़ा दिया था, वन सेकेंड मैं आपको दोबारा रिवाइंड करा रहा हूँ। तो क्लियर कर लीजिएगा, बेहतर तभी है कि तीन प्रकार के होते हैं विभाजित ऊतक। विभाजित ऊतक क्लियर हुआ ना, कि ऐसे ऊतक जिनमें क्या हो सकता है, होता है विभाजन निरंतर होता है, विभाजित ऊतक, और जो वो अस्थायी अर्थात जिनमें विभाजन नहीं होता वो स्थिर रहते हैं, वो अस्थायी ऊतक कहलाते हैं, और जिनमें विभाजन होता है विभाजित ऊतक। तीन प्रकार के शीर्षस्थ, नाम क्लियर करिए कि कहां भाई होते हैं, शीर्ष भाग पे होते हैं सर। तो शीर्ष भाग पे होते हैं क्या सर विभाजित ऊतक, एकदम क्लियर हुआ, शीर्षस्थ विभाजित ऊतक जो होते हैं वो पौधे के शीर्ष भाग पर, सबसे ऊपरी भाग पर होते हैं। क्या होता है, इनमें सेल डिविजन बहुत तेजी से होता है, और जब सेल डिवीजन तेजी से होता है तो ये लंबाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात प्लांट के लेंथ में उसकी लंबाई में बहुत वृद्धि करते हैं, अर्थात अपना रोल प्ले करते हैं। कौन? शीर्षस्थ। शीर्ष का मतलब शीर्ष अर्थात सबसे ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं। लिखा क्या है, यह जड़ तना पत्तियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, ऊपरी सतह, सबसे ऊपरी सतह पाए जाते हैं। यह निरंतर विभाजन करते हैं, क्या करते रहते हैं, यह निरंतर विभाजन करते हैं, और इनकी इनके विभाजन से पौधे में क्या होता है, वृद्धि होती रहती है निरंतर। अरे भाई आपकी वृद्धि कैसे हुई, आप क्या जन्म लिए माँ के गर्भ से तो क्या इतने बड़े पैदा हुए का? नहीं भैया, छोटे से बेबी फॉर्म में पैदा हुए ना, लेकिन फिर क्या हुआ, सेल ने निरंतर विभाजन किया और हमारी लेंथ क्या हो गई, बड़ी हो गई। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है कि शीर्षस्थ जो विभाजित ऊतक होता है निरंतर इसमें विभाजन होता है, जिससे इनकी लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे आते हैं अंतर्विष्ट विभाजित ऊतक। अंतर्विष्ट विभाजित ऊतक को कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर हो रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब आप समझिए ये एपिकल मेरिस्टेम का ही भाग है। किसका भाग है बाबू? एपिकल मेरिस्टेम का ही भाग है, अर्थात इसी का भाग है, अर्थात शीर्षस्थ विभाजित ऊतक का ही भाग है। लेकिन ये सेल अब धीरे धीरे मैच्योर हो गई हैं, अर्थात ये अब इसके ठीक नीचे उपस्थित होती हैं, जो उसके ठीक पीछे उपस्थित होती हैं, इसीलिए पूछ बोला गया है अंतर्विष्ट अर्थात इंटरकैलरी मेरिस्टेम एपिकल की ठीक नीचे उपस्थित होती है। और ये करती क्या है कि ये गांठों का निर्माण करती है। आप प्लांट में छोटी छोटी गांठें देखे होंगे बीच बीच में, उनका निर्माण करते हैं। कौन? अंतर्विष्ट विभाजित ऊतक। क्या लिखा है कि यह अस्थाई ऊतक के बीच बीच में होती है। अस्थाई ऊतक समझ रहे हैं ना? अरे भाई इसके नीचे वाला जो भाग होगा, कुछ ऐसे भाग होंगे जो स्थाई हो जाते हैं। क्या हमारी लेंथ हमेशा बढ़ती रहती है? नहीं भैया, एक समय ऐसा आता है कि हमारी लेंथ रुक जाती है, और वही चीज होती है अस्थाई, कि अब इसके बाद हमारी लेंथ नहीं बढ़ेगी, तो हमारी जो लंबाई होती है क्या होती है, वो अस्थाई हो जाती है। अस्थाई का मतलब रुक जाना भाई। तो ये विभाजित अस्थाई ऊतक के बीच बीच में आसपास पाए जाते हैं, खास करके गांठों के पास स्थित होते हैं, और क्या भाई शीर्षस्थ भाग के पीछे होते हैं। शीर्षस्थ मतलब एपिकल के ठीक पीछे अर्थात नीचे वाले भाग पे होते हैं, गांठों के पास होते हैं, अस्थाई ऊतक के आसपास स्थित होते हैं, या हम कह सकते हैं गांठों का निर्माण करते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि अंतर्विष्ट का मतलब होता है कि इसके ठीक नीचे उपस्थित हो, इसके अंदर उपस्थित हो। और लास्ट है पार्श्व विभाजित ऊतक। अब आप समझिए
एपिकल और इंटरकैलरी अर्थात शीर्षस्थ और अंतर्विष्ट, ये दोनों इस रोटेशन में होते हैं, ऐसे इनकी सेल्स पाई जाती है, इनके ऊतक ऐसे होते हैं। लेकिन जो पार्ट्स मतलब होता है पीछे पीछे या नीचे, ये अर्य सममित, इसको हम कहते हैं रेडियल, अर्थात स्टैंड, खड़े खड़े दिशा में होते हैं, सीधी सीधी एकदम स्टैंड दिशा में होते हैं। और ये काम क्या करते हैं बाबू, इनकी वजह से ना प्लांट की लेंथ, लेंथ मतलब होती लंबाई, ब्रॉडनेस चौड़ाई बढ़ती है। भैया मोटाते उटाते हैं कि नहीं प्लांट? अरे भाई बढ़ते हैं, तो किसकी वजह से बढ़ रहे थे बाबू? शीर्षस्थ विभुज्योति उत्तक के कारण, नोड का फॉर्मेशन अंतर्विष्ट के कारण हो रहा था, ये इसके ठीक नीचे था। और मोटे जो प्लांट होते हैं वो पार्श्व विभुज्योति उत्तक के कारण होता है। क्या लिखा है? अर्य दिशा में होते हैं अर्थात एकदम खड़े खड़े एकदम स्टैंड वाली दिशा में होते हैं। इनसे जड़ तने की मोटाई में वृद्धि होती रहती है या वृद्धि में मदद करते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं क्लियर कर लीजिएगा कि जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि करते हैं। कौन? पार्श्व विभुज्योति उतक। आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगले वाले वीडियो में हम लोग अस्थाई उतक के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मौसम में परिवर्तन काफी तेजी से हो रहा है, तो इसमें बीमारियों के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, तो सेफ रखिए, मस्त रहिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और नाम रोशन करिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों तक भेजने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने नहीं भेजा है तो भेज दीजिए, मैं आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूं, आप मेरे लिए छोटी सी एफर्ट करिए, और आपके एफर्ट से हमारी साइंस फैमिली विग्रस होती है, जिसमें हम लोग खूब मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं। तो आई होप कि इंजॉय कर रहे होंगे, बेहतरीन ढंग से सारी वीडियो को देख रहे होंगे। आपकी लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, और लाइफ में जो भी लक्ष्य बनाइए उसको प्राप्त करिए। थैंक यू वंस अगेन।